साथियों, बंगाल के गरीब किसानों के साथ तो दीदी ने अपनी विशेष नफरत दिखाई है। पूरे देश में 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल चुका है। देश भर के किसानों के बैंक खाते में सीधे 1.25 लाख करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। 10 करोड़ किसानों के खाते में 1.25 लाख करोड़ रुपया, ये हो चुका है। न कोई कटमनी, न कोई रिश्वत, एक एक टका सीधा किसानों के बैंक खाते में पहुंचा है। लेकिन ये लाभ बंगाल के किसानों को नहीं मिला। दीदी ने बंगाल के लाखों कृषकों को भारत सरकार के इन पैसों से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, 2 मई को यहां सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही नहीं बनेगी, बल्कि डबल बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट देने वाली सरकार बनने वाली है। बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद सबसे पहला काम किसानों के हित में फैसला लेना होगा। पहली कैबिनेट में ही बंगाल में पीएम किसान सम्मान निधि को लागू करने का निर्णय लिया जाएगा। और जब भाजपा के मुख्यमंत्री के बंगाल में भाजपा की सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन मैं जरूर आऊंगा। और आकर के जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे उनसे जरूर कहूंगा कि भाई, ये दिल्ली से मुझे पैसा भेजना है, आप जल्दी इस काम को पहली कैबिनेट में लागू कीजिए, मैं कहूंगा। और सुनिए भाइयों, बंगाल के हर एक किसान को जो दीदी ने नहीं देने दिया है, वो भी जो बकाया पिछला पैसा है उसको जोड़ करके हर किसान के खाते में, उसके बैंक खाते में 18,000 टका मिलेगा। और मैंने तो आग्रह करूंगा कि 10 साल से सरकार को जरा सो जाने की आदत पड़ी है, नई सरकार को सारी मशीनरी को दौड़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं तो कहूंगा कि दुर्गा पूजा के पहले हर किसान के खाते में रुपया पहुंच जाना चाहिए। और इसलिए मेरा आग्रह है कि बंगाल के किसान भाई बहन, और मैं यहां जो सरकार के मुलाजिम है, आज उनसे भी आग्रह करता हूं कि भाई, 10 साल जो हुआ सो हुआ, जितना बर्बाद होना था कर लिया, अब बंगाल की सेवा करने का आपके सामने मौका आ रहा है। अभी 2 मई को नतीजा आने के बीच में समय है, जहां चुनाव पूरा हो गया है वहां अधिकारी जरा किसानों की सूची बनाना चालू कर दें, उनके बैंक खाते चेक कर लें, उनका आधार नंबर चेक कर लें, ताकि जैसे ही निर्णय करे फटाफट पैसा जाना शुरू हो जाए। बंगाल की बीजेपी सरकार जल्द से जल्द हर एक किसान के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करना चाहती है।
टीएमसी सरकार ने किसानों के साथ जो इतना बड़ा अन्याय किया है वो दूर करने का समय बहुत ही निकट दिख रहा है भाइयों। साथियों, अपने ही अहंकार में दीदी केंद्र की हर योजना के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी होती रही है। केंद्र सरकार ने शहरों में काम करने आए रिक्शा, रेड़ी, ठेला चलाने वाले साथियों के लिए बिना गारंटी का बैंक लोन देने की जब भारत सरकार ने शुरुआत की, हिंदुस्तान के हर शहर में शुरू हुआ, लेकिन पता नहीं दीदी को क्या हो गया, दीदी ने यहां की बंगाल की सरकार ने इसको भी लागू नहीं किया। पूरे देश में आयुष्मान भारत के तहत गरीबों को 5 लाख मुफ्त इलाज मिल रहा है, 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, लेकिन दीदी ने आयुष्मान भारत का लाभ किसी गरीब को मिलने ही नहीं दिया। और दीदी क्या कहती है, अरे मेरी तो योजना इससे भी बड़ी है। अरे दीदी, आपकी योजना मानो बड़ी है, उसमें अगर 5 लाख और जुड़ जाता है तो गरीब का भला होगा कि नहीं होगा, गरीब का लाभ होगा कि नहीं होगा। अच्छा दूसरा, दीदी आपको पता भी नहीं है, आप पढ़ती तो है नहीं, इस योजना का एक दूसरा लाभ क्या था कि कोई भी बंगाल का व्यक्ति अगर मानो किसी काम से दिल्ली गया है, जयपुर गया, चेन्नई गया और वहां बीमार हो गया तो वहां की अस्पताल में भी इस योजना से लाभ मिलता है, आपकी योजना से नहीं मिलता है दीदी। लेकिन उनको बंगाल के लोगों की चिंता नहीं है, बंगाल का संवेदनशील समाज इस कठोरता को, इस निर्ममता को देख भी रहा है, समझ भी रहा है।